Hi guys, welcome to my contact world for all the construction engineering related. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कॉन्टैक्ट वर्ल्ड। आज हम एक बड़ा अपडेट लेकर आ चुके हैं दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के रिलेटेड। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो दोस्तों, बड़े अपडेट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। काफी कमेंट में भी मुझे ये देखने को मिला कि जो ये रोड है वो कंक्रीट का रहने वाला है या अस्फाल्ट का। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो हमारा एक्सप्रेस वे है ये एक अस्फाल्ट का रहने वाला है, ये सीमेंट कंक्रीट का रोड नहीं है। पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक लोकेशन पे अगर यहाँ पे सॉइल वीक लगी तो उस जगह पे ये रोड कंक्रीट का हो सकता है। बाकी थ्रू आउट दी ये स्ट्रेच ये रोड हमारा अस्फाल्ट का रहने वाला है। जैसे आपके नॉर्मल नेशनल हाईवे होते हैं उसी तरह ये रोड भी अस्फाल्ट का रहने वाला है। अब हम चलते हैं अपने बड़े अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, अपडेट ये है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो सर्वे रिपोर्ट में मेंशन किया गया है वो है कि जो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे है उसके नियर 8 से 12 लोकेशन ऐसी आइडेंटिफाई की जाए जहां पे जो सूटेबल लोकेशन हो, जहां पे रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप सेटअप करी जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे एक्सप्रेस वे के नियर 8 से 12 लोकेशन ऐसी आइडेंटिफाइड की जा रही हैं जिनको बाद में फाइनलाइज करके उन लोकेशन पे इंडस्ट्रियल एरियाज बनाए जाएंगे। और इसका बेनिफिट ये होगा कि जो हमारा एक्सप्रेस वे है वहाँ से स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन मिलेगी इंडस्ट्रियल एरियाज को, और जो हमारे लोग हैं जिन लोगों के एरिया में वो इंडस्ट्री सेट होगी उससे काफ़ी बूस्ट मिलेगा, काफ़ी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये काफ़ी बड़ा अपडेट है। तो आओ चलो इस अपडेट को डिटेल में समझते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखें। गाइस, अब मैं आपको समझाता हूँ, जो हमारा इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो टर्म है इसका ये मीनिंग हुआ कि गवर्नमेंट का फ्यूचर प्लान है वो अभी जो एक्सप्रेस वे का सर्वे हो रहा है वो इसके साथ ही ये सर्वे करवाना चाहती है कि इन फ्यूचर वो ऐसी लोकेशन को पहले से आइडेंटिफाई करके रखें जहाँ पे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर एंड लैंड प्रेजेंट हो और वहाँ पर वो इंडस्ट्रियल सेटअप कर सकें। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कुछ सिटीज और कुछ गाँव ऐसे सिलेक्ट करे जा रहे हैं, जैसे सिटी के नियर एरियाज कुछ ऐसे आइडेंटिफाई करे जा रहे हैं जहाँ पे पानी अच्छी मात्रा में प्रेजेंट हो और लैंड भी यहाँ पे खुला हो, अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट हो। तो उन एरियाज को अभी से आइडेंटिफाई करके फ्यूचर प्लान में वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप होगा, ये पक्की बात है। ये सर्वे रिपोर्ट में भी मेंशन, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं जहाँ पे प्रॉपरली मेंशन है कि ऐसे एरिया आइडेंटिफाई किए जाएँ जहाँ पे प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लैंड प्रेजेंट हो और वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए प्रोग्रेस आगे रिपोर्ट बनाई जाए। जो भी एरिया सेलेक्ट किए जाएंगे वहाँ के लोगों की एम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ने वाली है, वहाँ पे न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज डेवलप होने वाली है। और जो उसके आसपास के लैंड होंगे, जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप या कमर्शियल एरिया सेलेक्ट किया जाएगा, जो उसके आसपास के लैंड होंगे उसके ज़मीन के जो लैंड प्राइसेस होंगे वो काफ़ी हाई होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर ये इंडस्ट्रियल एरिया जो कमर्शियल एरिया है आपके विलेज या आपके सिटी के नियर सेटअप होंगे तो आपकी किस्मत समझो बदलने वाली है। इट विल क्रिएट अ ह्यूज एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल नियर इट। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।